सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है काफ़ी इजी टॉपिक है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लिप्स के ऊपर। तो ये रहा दो रेफरेंस, जिसको देख करके हम लोग शेडिंग करेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ पे डार्क पोर्शन है, कहाँ पे लाइट पोर्शन है। और अगर आप लोग साइड लिप्स बना रहे हैं तो आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे कि हार्ट कैसा होता है। कुछ इस तरीके से दिल का शेप होता है, बस इसको आप लोग को मोड़ देना है, टेढ़ा कर देना है और इस तरीके से दिल बनाना है। एंड फिर इसमें हम लोग बीच में डिवाइड देके लिप्स का शेप ड्रॉ करेंगे इसमें। तो एक बार जब हम लोग का लिप्स बनके रेडी हो जाएगा, देन इसमें हम लोग जो है शेडिंग करेंगे एंड अपना जो रेफरेंस रहेगा उसको देख करके हम लोग इसमें शेडिंग करेंगे। तो जो हम लोग सेकेंड ड्राइंग कर रहे हैं सेकेंड लिप्स की, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे कि धनुष किस तरीके से दिखता है, तो बस उसी मेथड को लेके यहाँ पे हम लोग को लिप्स की ड्राइंग करनी है एंड उसके बाद फिर हम लोग अपने रेफरेंस को देख के शेडिंग करेंगे। काफ़ी इजी मेथड है, आप लोगों को बस ये देखना है कि जो ड्राइंग है वो किस तरीके से है एंड उसको हम लोग कितने इजी तरीके से बना सकते हैं। बस ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ऑब्जर्व करनी है और आपकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे शेडिंग के ऊपर कि ये देखिए, ये रेफरेंस में डार्क पोर्शन ज़्यादा है एंड लाइट कम है। सो डार्क के लिए हम लोग 4B पेंसिल और 6B पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो बेस होगा वो हम लोग 4B पेंसिल से करेंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग 6B पेंसिल करेंगे और जो हाईलाइट करेंगे वो हम लोग पेंसिल रबड़ से करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पूरी जो ड्राइंग है उसको हम लोग 4B पेंसिल से कवर कर रहे हैं एंड इसके बाद फिर हम लोग पेपर स्टैम्प से इसको ब्लेंड करेंगे और उसके बाद फिर 6B पेंसिल का यूज़ करेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे कहाँ पे कितना डार्क पोर्शन है उस हिसाब से एंड जहाँ पे हाईलाइट होगी तो वहाँ के लिए हम लोग पेंसिल इरेजर का यूज़ करेंगे। और अगर हम लोग को डार्क कम लगेगा तो दोबारा हम लोग 6B पेंसिल का यूज़ करेंगे। मीन्स अपने रेफरेंस के हिसाब से जितना डार्क करना है उतना हम लोग डार्क करते चले जाएंगे। बस चीज़ों को आप लोगों को ऑब्ज़र्व करना है अगर आप लोग बिगनर्स हैं, और एक बार अगर आप लोग ऑब्ज़र्व करने लगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। और चीज़ें आप लोग को स्टेप बाय स्टेप ही हर चीज़ करनी है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सीधे हम लोग डार्क कर देंगे तो वो सही नहीं रहेगा। चीज़ें आप लोग को स्टेप बाय स्टेप ही करने पड़ेगी और जब आप लोग के पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आप लोग अपने हिसाब से जैसे मन करे उस हिसाब से आप लोग शेडिंग कर सकते हैं। बट शुरुआत में आप लोगों को काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो काफ़ी हद तक पहली लिप्स बन के तैयार हो गई है और ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। ये पूरा प्रोसेस आप लोग को सिर्फ समझाने के पर्पज़ से है कि किस तरीके से आप लोग लिप्स की ड्राइंग करके एंड शेडिंग कर सकते हैं। तो अब हम लोग सेकेंड लिप्स की बात करें कि इसमें आप लोग देख रहे हैं कि डार्क पोर्शन काफ़ी कम है, ज़्यादातर लाइट एरिया है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या लाइट एरिया के लिए, कि सबसे पहले हम लोग 2H पेंसिल का यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर जो है 2B पेंसिल का, एंड जो डार्क एरिया है उसके लिए हम लोग 4B पेंसिल का यूज़ करेंगे और मिक्स हम लोग पेपर स्टम्प से करेंगे एंड जब हाईलाइट करना होगा तो पेंसिल इरेजर से हम लोग हाईलाइट करेंगे। तो पूरा प्रोसीजर आप लोग देखिए किस तरीके से हो रहा है।
आई होप आप लोग को पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि ड्राइंग कैसे होगी, शेडिंग कैसे की जाएगी। तो बस आप लोग दो फंडा याद किए रहिए, दिल और धनुष बाण। इससे काफ़ी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए लिप्स की ड्राइंग करना। और रही शेडिंग की बात, तो आप लोग को करना क्या है कि अपने रेफरेंस को देखना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, कहाँ पे डार्क है कहाँ पे लाइट है, उस हिसाब से आप लोग को शेडिंग करनी है। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं सेम नाम से, सेम लोगों से। और एक बात और, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।